आमिर खान ने जो दंगल मूवी बनाई है वो एक लड़की को वो ट्रेनिंग करवाते हैं और वो कॉमनवेल्थ का मेडल जीती है, वो बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। मैंने और गीता जो लड़की थी उसने एक साथ मेडल जीता था, फाइनल में मैंने इंडियन खिलाड़ी को हराया। बहुत ज्यादा मुझे टॉर्चर सहना पड़ा क्योंकि जो हमारे साथ जो कमरे थे वो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन इन लोगों के थे। पाकिस्तानी वहां पर गया तो उन्होंने कहा ये टेररिस्ट कहां से आ गए, यहां से तो रेसलर हो ही नहीं सकते। कोई ऐसा दाव पेज है भाभी का जिससे आपको डर लगता हो ये ना लगे बस। मैं उनके तमाम दाव पेज पर लबैक कहता हूं जी। 10 साल से मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ। पिछले अगर मैं 10 साल की बात करूँ एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने ट्रेनिंग ना की हो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन इस वक्त मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ जो कि पहलवानी और कुश्ती के मैदान में कायनात की सबसे ज्यादा जरखेज मट्टी गिरदानी जाती है। आज हम आपको दिखाते हैं कि गुजरांवाला के अंदर कुश्ती का और पहलवानी का कितना शौक पाया जाता है और उसके बाद कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो इस तहरीक को या इस रिवाज को या इस खेल को अभी तक इस जगह पे ज़िंदा किए हुए हैं। तो मेरी मुराद बिल्कुल वर्ल्ड चैम्पियन इनाम भट्ट साहब से मुतल्लिक है और इनसे बात करेंगे, इनकी ज़िंदगी की कहानी जानेंगे कि वो कैसे एक आम आदमी से पाकिस्तान का फ़ख्र बने और इस वक्त उनका विजन क्या है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो इस वक्त इनाम भट्ट साहब भी हमारे साथ अखाड़े में मौजूद हैं। भट्ट साहब, मिट्टी के साथ मिट्टी होना कितना अहम है कुछ मुकाम हासिल करने के लिए? जी बिल्कुल, मिट्टी के साथ मिट्टी होना और मिट्टी में घुल मिल जाना फिर ही कोई मुकाम हासिल होता है। और ये फिर कम से कम 10-20 साल की आपकी एफर्ट होती है। जब आप सदियों इसमें, जब आप दहाइयां इसमें गुजारते हैं तो फिर ही आप कुछ अचीव कर पाते हैं। जब बचपन में मेरे वालिद साहब क्योंकि रेसलिंग करते थे तो उन्होंने मुझे एक दिन अखाड़े ले आए और मुझे कहते बेटा अब आपने रेसलिंग करनी है। तो उस टाइम तो बड़ी सारी मुश्किल थी, एक तो बड़े सारे दाव पेच आपस में मिक्स हो जाते थे और उसके बाद इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी, इतना ज़्यादा हमारे पास जो स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, तो बहुत सारा हमें मसला मसाइल यहाँ पर ही शुरू हो जाता था कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। हमारा जो रेसलिंग का जो तरीकाकार था वो बहुत ज़्यादा 20-20-30-30 साल पुराने हम रूल्स को फॉलो कर रहे थे, तो चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने अपनी रेसलिंग का आगाज़ किया तो मुझे नहर पर जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए। तो 2-3 साल की मेरी जब एफर्ट हुई तो मैं पाकिस्तान का अंडर 16 चैंपियन बना, फिर अंडर 20 4 साल में चैंपियन रहा माशाल्लाह। और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा एक अरसा 10 साल से मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ और इस सारी स्ट्रगल में पिछले अगर मैं 10 साल की बात करूँ तो एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने ट्रेनिंग ना की हो, जिस दिन मैंने आके इस मिट्टी में 3-4 घंटे ना गुजारे हों। और इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें रनिंग करना, जिसमें हम जिम ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें हम कुश्ती करते हैं अपनी। तो ये 10 साल और 7-8 घंटे डेली ये लगाने पड़ते हैं और फिर अल्लाह ताला ये मुकाम देते हैं। मुकाबला करने वाली जो बात है वो तो मैं समझता हूँ कि हम उस पाए तक पहुँच ही नहीं सकते, लेकिन जो मेरी इंस्पिरेशन थे वो ग्रेट गामा पहलवान और उस ज़माने में जो पूरी दुनिया में उनको कम्पीट करते थे वो हमारे गुजरांवाला के पहलवान थे, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता था। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, एक दौर आया जब जारा पहलवान ने बहुत सारा नाम पैदा किया, उसके बाद माड़ू वाला पहलवान थे, शाहद पहलवान आटे वाला जिनका तल्लक गुजरांवाला से था और 1994 में उन्होंने रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल विन किया, और उसके बाद फिर उमर बरादरान का एक बहुत अच्छा दौर गुजरांवाला में गुजरा। तो ये वो तमाम लोग हैं जिनको, जिनके बारे में सुनकर, जिनको देखकर, जिनके बारे में पढ़कर बहुत ज़्यादा शौक होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो मेरा इन्हीं को देख कर, इन्हीं के किस्से सुनकर बहुत ज़्यादा शौक आया कि मैं इस लेवल पर जाऊं, क्योंकि जब भी जो गुजरांवाला वो बेसिकली पहलवानी का चोली दामन का साथ है, तो गुजरांवाला में जब भी कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो हमारे जो इलाके, हमारे जो गली मोहल्लों में वो पहलवानों के किस्से बहुत मशहूर होते हैं। जैसे अब गामा पहलवान का मैं जिक्र करता हूँ, तो वो 52 साल तक अनबीटन रहे और उन्होंने पूरी दुनिया के पहलवानों को चीत किया। तो जब इस तरह की आप स्टोरी सोचते हैं तो फिर आपका भी ख्वाहिश होती है कि क्यों ना हम इन लोगों को फॉलो करें और इस लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इनाम भट्ट साहब, बच्चे आपके इस वक्त पीछे मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा फिट है माशाल्लाह और वो ट्रेनिंग भी बड़ी भरपूर कर रहे हैं, ये वाला जो सफ़र था, इनाम भट्ट तो आप बन गए, वर्ल्ड चैम्पियन तो बन गए, अब इन बच्चों के साथ क्या एक्टिविटी चल रही है, क्यों यहाँ पर इतनी एफर्ट की जा रही है, इसके पीछे मोटिवेशन लेवल क्या है और इस जगह की हिस्ट्री भी बताइए ज़रा।
जी बिल्कुल, मैं जब अपनी रेसलिंग का आगाज़ कर रहा था, जब मेरा पहला मैं इंटरनेशनल लेवल का मुकाबला खेला, तो वो मैं 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया पे मैंने वो मुकाबला किया। और बहुत सारे लोग कॉमनवेल्थ गेम्स को इस हवाले से जानते हैं कि वहाँ पर उस पर दंगल मूवी बनाई गई। तो आमिर खान ने जो दंगल मूवी बनाई और वो सारी इसी पर थी कि वो एक लड़की को वो ट्रेनिंग करवाते हैं और वो कॉमनवेल्थ का मेडल जीतती है। तो वो बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। मैंने और गीता जो लड़की थी उसने एक साथ मेडल जीता था। मैं पाकिस्तान की तरफ से गया और तमाम खिलाड़ियों को हरा कर फाइनल में मैंने इंडियन खिलाड़ी को हराया दिल्ली की सरजमीन पर। तो पाकिस्तान के लिए मैंने मेडल जीता। फिर उसके बाद एक ही ख्वाब था कि जब से पाकिस्तान बना है, और उससे पहले जब बरे सगीर था, तो 1910 के बाद कोई भी खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल नहीं जीत सका। तो गामा पहलवान को मैं फॉलो करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो फिर एक ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान को क्यों ना एक वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल का जो है वो एजाज़ मैं लेके आऊँ पाकिस्तान में। तो 2017 में मैंने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुर्की में, और तमाम दुनिया के खिलाड़ियों को हरा कर पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीता। उस वक्त जो हमारे आमिर जान साहब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मुझे कहते, बेटा आपको क्या इनामात चाहिए, आप बताएं, हम आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सर मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ पहलवानी सीखी है, बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें गुजरांवाला में, जहाँ पर आने वाले जो बच्चे हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर बनेंगे, उनको मैं यहाँ पर ट्रेनिंग सिखाऊं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग। जबरदस्त। तो 2017 में मुझे ये अखाड़ा अलाट किया गया। तो उस टाइम तो इसकी बहुत बुरी हालत थी, यहाँ पर कोई 150-200 नशेई बैठ कर नशा करते थे, और यहाँ पर बल्कि सेल भी होता था। तो जब हम यहाँ पर आए, तो ये सारी एक एक छोटी छोटी चीज़, एक एक दरख्त, एक एक पौधा हमने अपने हाथों से लगाया, और यहाँ पर बच्चों के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग का आगाज़ किया, जिसमें 7 साल से ले के बच्चे तो इंटरनेशनल लेवल तक खेलते हैं। तो अभी हमारे जो मेरे शागिर्द हैं इस टाइम, वो कॉमनवेल्थ लेवल पे, एशिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पर, और इसके साथ साथ जूनियर अंडर 16 लेवल पे, और बिल्कुल कैडिट लेवल पे वो खेलते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैंने जो बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ समझा, वो ये था कि मैं अपने जो हमारे बच्चे हैं इनको स्टडी की तरफ फोकस करूँ, क्योंकि मोस्टली जो पहलवान होते हैं, मोस्टली पहलवान स्टडी की तरफ नहीं आते। तो इस टाइम जो मैंने समझा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे खिलाड़ी पढ़े लिखे होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सारी एक्टिविटी अंजाम दे सकते हैं। तो इस टाइम हमारे जितने लड़के हैं, तकरीबन 70% लड़के ऐसे हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर लेवल, बीकॉम लेवल और एफएससी लेवल पर वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ वो स्टडी भी हासिल कर रहे हैं। तो प्लान और विजन सिंपली ये है कि जब इनाम भट्ट अपनी गेम छोड़े, तो उसके साथ साथ बहुत सारे इनाम भट्ट पैदा हों, जिसके लिए पाकिस्तान को 40-50 साल का इंतज़ार ना करना पड़े, बल्कि पाकिस्तान के इनाम के साथ साथ ही ऐसे मेडल शुरू हों कि पाकिस्तान का जो एक पुराना एक वकार था, एक मुकाम था रेसलिंग में, वो दोबारा जाना जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बड़े अच्छे तरीके से हमारे लड़के मेडल जीत रहे हैं और इस सफ़र को आगे लेके चल रहे हैं। बट सब देसी कुश्ती अखाड़े के अंदर शुरू होती है, और उसके बाद इनाम भट्ट वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियन बनता है। देसी कुश्ती से मैट रेसलिंग तक का सफ़र कैसे था, ये आइडिया कैसे आया आपको? जी गुजरांवाला में जब जो हमारी पंजाब में सकाफती पहलवानी वो है देसी कुश्ती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो देसी कुश्ती है ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में खेली जाती है। अगर आप पूरी दुनिया में खेलना चाहते हैं तो उसमें मट्टी वाली रेसलिंग नहीं होती, इसलिए पूरी दुनिया में मैट रेसलिंग खेली जाती है, जिसको मैंने फोकस किया। मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान और इंडिया में तो हम मैंने मेडल जीत लिए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा टारगेट पूरी दुनिया में नाम रोशन करना है, इसलिए फिर मैंने मैट रेसलिंग को अभी आगाज़ किया और उसकी भी बड़ी अच्छी तरबियत हासिल की। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने मैट रेसलिंग में भी पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ में मेडल जीते, एशियन लेवल पर मेडल जीते, और बीच रेसलिंग में मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड लेवल के मेडल जीते। बट साहब, रुस्तम में पाकिस्तान होना, रुस्तम में हिंद होना, या वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन होना, दोनों में से ज़्यादा अहमियत किसकी है आपकी नज़र में? मैं ये समझता हूँ कि रुस्तम पाकिस्तान तो कोई भी हो सकता है, और वो सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान में उसका नाम गर्दाना जाएगा, पहचाना जाएगा। लेकिन अगर आप वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो पूरी दुनिया में पता चलेगा कि कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन बना है, पाकिस्तान का नाम होगा। मैं जब 2017 में पहली दफ़ा खेलने के लिए गया, तुर्की में मुकाबले थे और पूरी दुनिया से खिलाड़ी आए हुए थे, तो उस टाइम जो हमारे कमरे होते हैं, जो हमारा रहने सहने का जो होटल होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर सहना पड़ा, क्योंकि जो हमारे साथ जो कमरे थे वो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इन लोगों के थे। और जब एक पाकिस्तानी वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा ये टेररिस्ट कहाँ से आ गया, ये
यहाँ से तो रेसलर हो ही नहीं सकते, तो ये कहाँ पर आ गया। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन हम मैं वहाँ पर डटा रहा, बीच पर भी नमाजें अदा की, बीच पर भी मुकाबले खेले, और जब 3-4 दिन वहाँ पर उनके साथ वहाँ पर रहे और उनके खिलाड़ियों को हराया, और जब पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर वहाँ पर उभरा और पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ, तो वही लोग पाकिस्तान के लिए क्लैप कर रहे थे, वही लोग तस्वीरें बना रहे थे, और अब वही लोग जो हमें टेररिस्ट कह रहे थे वो इस अखाड़े में आके तरबियत हासिल करना चाहते हैं कि किस तरह वो अपनी रेसलिंग को बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, इनाम भट्ट साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, ये दुनिया के ताकतवर पहलवानों में से एक हैं, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इज्जत दिलाई है, क्योंकि अब ये रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक हो चुके हैं, तो इनसे एक और सवाल पूछें। भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि दुनिया की जो कुश्ती है और मैट रेसलिंग है, जिसे जदीद रेसलिंग कहा जाता है, तमाम दाव पेच आपको आते हैं और कुछ दाव पेच ऐसे भी होंगे जो किसी और को नहीं आते, इसलिए तो आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्शी है। शादी होने के बाद कोई ऐसा दाव पेच है भाभी का जिससे आपको डर लगता हो कि ये ना लगे बस? देखिए जी, बड़े सारे दाव पेच ऐसे होते हैं कि जिनसे बच बचा के रहना पड़ता है, लेकिन मैं उनके तमाम दाव पेच पर लब्बैक कहता हूँ जी। और उस लाइफ को जीतने का यही आपके पास सबसे बड़ा ट्रिक है कि आपने यस सर ही कहना है, तो फिर आप अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। भट्ट साहब, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं जो आपके फैंस हैं, दूसरे मुल्कों से भी लोग देख रहे होंगे जो उर्दू जुबान को समझते हैं, अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उन्हें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? मैं अपने फैंस को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हम दुनिया के किसी भी शोबे से हों, अगर हम अच्छी सेहत के साथ उसमें काम करेंगे तो हम डेफिनेटली आगे जाएंगे। और मेहनत एक ऐसी कुंजी है, मेहनत एक ऐसा हथियार है हमारे पास कि हम जिस भी शोबे में होंगे, चाहे हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम कोई रेसलिंग कर रहे हैं, या हम डॉक्टर बन रहे हैं, जिसमें भी हम अपने प्रोफेशन के साथ पूरा टाइम देंगे, पूरा उसके साथ हम लेके उसको चलेंगे, तो हम डेफिनेटली अपने अपने प्रोफेशन में इनाम भट्ट जरूर पैदा करेंगे। भट्ट साहब, आखिरी चीज बताएं, इनाम भट्ट इतना मजबूत, इतना ताकतवर और इतना फिट कैसे है? आपका स्केड्यूल क्या है ट्रेनिंग का, आपका डाइट का स्केड्यूल क्या है? इतना मजबूत होने का एक ही मेरे पास जो एक गुर था, मेरे वालिद साहब ने वो ये सिखाया था मुझे कि बेटा आपने कंटिन्यूसली काम करते जाना है, आपने लगातार करते जाना है, चाहे जीत हो चाहे हार हो, हमने इसको नहीं छोड़ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ को मैंने फॉलो किया, और जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन भी मैंने यहाँ पर आगे ट्रेनिंग की, उस दिन भी बच्चों को आगे यहाँ पर ट्रेनिंग दी, और इसी चीज़ को मैंने आज तक जारी रखे हुआ है कि तकरीबन मेरा रेसलिंग करियर 20 साल के करीब हो चुका है, लेकिन छुट्टी जो है ना वो आप नहीं कर सकते, आप इसमें किसी भी तरह अपनी ट्रेनिंग पे कम टाइम नहीं दे सकते। अगर आप इतने फोकस हो के आप अपना काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप आगे से आगे जाते जी। पहलवानों की तो बहुत ज़्यादा खुराकें बहुत मशहूर हैं कि पुराने पहलवान बकरा बकरा खा जाते थे, लेकिन अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है, क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पर आपने वेट कैटेगरीज में खेलना होता है, तो अगर आपका 1 kg भी वेट ज़्यादा हो गया तो आपको हायर वेट में आप फाल करेंगे और आपको सख्त कंपेटिटर का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो बकरे बकरे ख़त्म हो गए हैं। अब बहुत ज़्यादा हमें एहतियात के साथ खाना पड़ता है, बल्कि मुझे 8 से 10 किलो वज़न कम करना पड़ता है जब मेरा इवेंट पास आता है, तो इसलिए मैं फिर जूस वगैरह लेता हूँ, अंडों की जो सफ़ेदियाँ हैं वो लेता हूँ, ब्रेड लेता हूँ, और बहुत ज़्यादा एक हेल्दी डाइट और बहुत कंट्रोल डाइट के को साथ लेके चलना पड़ता है। भट्ट साहब, इस अखाड़े की मिट्टी की खास बात बता दें आज हमें। ये अखाड़ा हमारे लिए एक मस्जिद का दर्जा रखता है, हम जब इसकी तैयारी होती है तो इसमें हम दूध डालते हैं, इसमें हम शहद डालते हैं, इसमें हम तेल डालते हैं, तो फिर हम इसको रोज़ हम इसको आगे इसको खोदते हैं, उसके बाद इसको बैलेंस करते हैं और रेसलिंग करते हैं। मेरा नाम अली पहलवान पट्टावाला है, मैं नेशनल चैम्पियन हुआ हूँ और कॉमनवेल्थ का ब्रॉन्ज मेडल इंडिया में, मैं और नाम भाई इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं माशाल्लाह, आगे भी हम चाह रहे हैं कि अब हमने तो जो कर नाम रोशन किया पाकिस्तान का, नाम भाई ने किया, अब आगे हम चाह रहे हैं कि बच्चे को वो ट्रेनिंग दें थोड़ी और वो भी नाम रोशन करें पाकिस्तान का। नाज़रीन, इंटरनेशनल रेसलर इनाम भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, हमने इनकी सक्सेस स्टोरी आप तक पहुँचाई, इनकी स्ट्रगल पहुँचाई, और खसूसी तौर पर जो इनका विजन है ख़ुद इज़्ज़त हासिल करने के बाद, दुनिया का चैंपियन बनने के बाद, अब ये जो कौम के बच्चे हैं उन्हें भी इस सेहतमंद शौक की तरफ ला रहे हैं, और इस वीडियो का पैगाम भी यही है कि जो मिट्टी है हमें इसका नाम रोशन करना है, और इसका नाम रोशन करने के लिए इनाम भट्ट की तरह मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, अपनी ख्वाहिशात को मारें और बढ़कर आगे आएँ और कौम का नाम फ़ख्र से बुलंद करें।